नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दूसरे फेज की वोटिंग कल होनी है। पहले फेज के बाद जो वोटिंग कम हुई उसके बाद कई नई राजनीतिक लाइन आपने यहाँ शुरू होते हुए देखी। वो वाणी की उग्रता से लेकर एक दूसरे पर तेज होते हुए हमले हैं, जो कि एक राजनीतिक खासियत हुआ करती है। जब चुनाव जैसे जैसे चढ़ता है सरगर्मी ऊपर जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जैसे बड़ा बदलाव आया है। आखिर हाँ ना करते करते अखिलेश चुनावी मैदान में उतर ही आए हैं, और जैसा कि इस बार उनकी पार्टी ने एक नई परंपरा स्थापित की है कि पहले उम्मीदवार घोषित किया, फिर उम्मीदवार को बदलने की चर्चा शुरू हुई, और फिर आखिर में उम्मीदवार बदल गया। यहाँ तक कि कई बार तो तीसरे उम्मीदवार को भी बदला है, और पत्नी भाइयों को चाचा को टिकट देने के बाद अखिलेश यादव खुद ये तय करके आए हैं चुनाव में कि सीट एक भी जो जीती जा सकती है उसको जीता जाए। लेकिन ये विश्वास क्या पहले फेज में हुई कम वोटिंग के बाद बीजेपी के माथे पर उभरी चिंता की लकीरों को देखकर आया है, या फिर कोई रणनीति बनाई है जो कि अभी तक विपक्ष की किस क्षेत्र में दिख नहीं रही है। हम लोग जब कन्नौज में उनको पर्चा भरते हुए देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि ये राजधानी जो कभी जो लास्ट हिंदू जिस तरह से सम्राट कहा गया, जिस भारतीय सम्राट की उसकी राजधानी कभी कन्नौज थी, जिस कन्नौज पर आपको कहीं एक जगह जाकर दिखता है सकलोत्तर उत्तरापथनाथ, यानी हर्षवर्धन की मैं बात कर रहा हूँ, उसी की शहर से ये जो कभी समाजवादियों का एक गढ़ है ये भी कहा जा सकता है। अगर रिकॉर्ड की बात करते हैं उसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन यूपी के दो लड़कों में से एक ने अपना पर्चा भर दिया है और दूसरे की चर्चा शुरू हो गई। मकान पर पुताई करा दी गई है, यानी उस पर पेंट कराया गया है अमेठी में, और लस्त पड़े हुए या लस्त पस्त पूरी कांग्रेस को उम्मीद की किरण जागी कि शायद भैया जी चुनाव लड़ने आएंगे, और कांग्रेस को जो पिछले बार एक सीट मिली थी शायद उस एक सीट को वो वापस दिला पाएंगे। ये दो भी हो सकती है अगर रायबरेली में उनको फिर लगता है कि प्रियंका गांधी लड़ लें। लेकिन अभी तक राहुल और प्रियंका के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी उनके समर्थकों को है कि उस पर अमेठी में सफाई हो गई है उस मकान की जहां से राहुल गांधी आएंगे, रुकेंगे और पर्चा भरेंगे। तो इतनी आशा की किरण बिल्कुल अंधेरे में डूबी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के लिए शायद एक रोशनी साबित हो। लेकिन आज हमने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी इस पूरे फेज में अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ रही है, क्योंकि उनके पास जो आखिरी बची हुई ताकत थी वो अखिलेश यादव थे, क्योंकि बाकी परिवार को पहले ही टिकट दिया जा चुका। इस सीट पर तेज प्रताप सिंह यादव को टिकट दिया गया था, लेकिन जो लालू के दामाद भी हैं, लेकिन फिर बाद में ये खुद से फैसला किया या किसके कहने पर ये रणनीति बनी है कि कन्नौज की सीट पर जिस पर सुब्रत पाठक जैसे फाइटर है बीजेपी के, उनका मुकाबला तेज प्रताप यादव नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में हुए इस बड़े बदलाव पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक पांडे जुड़े हुए हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनके पास चलते हैं। शुरू करता हूँ वापस उसी सवाल के साथ, आलोक, क्या अखिलेश यादव ने इस बार टिकट की लड़ाई अपनी ही पार्टी में अपने ही भाइयों से जीत ली है क्या? वो तेज प्रताप यादव को हराकर पार्टी का टिकट हासिल करने में कामयाब हुए हैं क्या? बिल्कुल, अगर संजीव जी से बात की जाए तो हराने में सफल रहे, बात की जाए तो हराने में सफल रहे और नामांकन करने में भी सफल रहे। लेकिन सवाल यही है कि ये हराने और नामांकन करने का जो इस बार 2024 में समाजवादी पार्टी में परंपरा दिखी है वो बड़ी ही कंफ्यूज करने वाली थी। पता नहीं कंफ्यूज वो दूसरी पार्टी के नेताओं को करना चाह रहे थे या खुद कंफ्यूज पार्टी में नेता रहे हैं जो कि प्रत्याशियों का सही चयन नहीं कर पाए। अब एक क्या कन्फ्यूजन था ये बाद में कभी हो सकता है परिणामों के बाद और समझा जा सकता हो, लेकिन ऐसे भी कन्फ्यूजन रहे कि कई बार दोनों ही प्रत्याशियों ने नामांकन किया और बाद में एक को ये कहा गया कि जो पहले वाले प्रत्याशी ने नामांकन किया है उसको अवैध घोषित कर दिया जाए, और ऐसी स्थितियां हमने मुरादाबाद में, रामपुर में देखी और कन्नौज में भी लगभग अगर कहा जाए 72 घंटे में ऐसी तस्वीर निकल करके आई जब तेज प्रताप
यादव को आकलन कर लिया गया कि वो यहाँ पे ठहर नहीं पाएंगे और आखिरकार अखिलेश यादव को यहाँ से आना पड़ा। बस बहुत छोटे में कन्नौज को लेकर के एक बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है कि यहाँ के इत्र और यहाँ की खुशबू न सिर्फ यहाँ के गलियों में मोहल्लों में फैली रहती है बल्कि वो प्रदेश और देश बल्कि दुनिया में भी एक्सपोर्ट होती है। और इस इत्र की नगरी में राजनीति थोड़ा इस वक्त हाई टेम्परेचर पे चल रहा है, गर्मी में भी थोड़ा उसका पारा और बढ़ा हुआ है। आज के यहाँ सड़कों पे गलियों पे भारी भीड़ थी लोगों की, गाड़ियों की, काफिलों की। और दूसरी चीज़ ये है कि अखिलेश का नाता थोड़ा कन्नौज से पुराना है, नेताजी यहाँ पर चुनाव लड़ते थे और उसके बाद फिर अखिलेश ने अपना जो राजनीतिक सफ़र है वो कन्नौज से ही शुरू किया था। कन्नौज के लोगों से ही और कन्नौज के बारे में ही यहीं से पता लगा कि कई ऐसे यहाँ पर नेता रहे जिन्हें मुख्यमंत्री तक की कुर्सी भी कन्नौज वालों ने ही दिलवाई, जिसमें शीला दीक्षित हैं, जिसमें नेताजी हैं, जिसमें अखिलेश यादव हैं। तो कन्नौज शुभ भी है बहुत सारे मायनों में, लेकिन कन्नौज 2024 में कैसा है ये 4 जून को पता लगेगा धीरेन जी। और साथ में इस बात का भी कि अंतिम समय में अंतिम निर्णय या जीत जाने को लेकर के नामांकन करना कितना सफल था या कितना भूल भुलैया वाला कदम था ये 4 जून को जनता बताएगी, लेकिन तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा और आगे हमें देखना होगा कि और किस तरह की रणनीति होती है। क्योंकि यहाँ जैसे ही आए तो एक तरफ एक बयान आ गया कि अब भारत और पाकिस्तान का मैच होगा और दूसरी तरफ कन्नौज के ही सफ़र को शुरू करने वाले अखिलेश ने कहा ये इत्र की नगरी है और यहाँ से खुशबू बिखेरी जाएगी। तो बयानों के फ़र्क भी अपने अपने अलग अलग अंदाज में आ गए हैं, इसलिए कन्नौज की चर्चा अपने आप में महत्वपूर्ण है। धीरेन जी जी मेरे साथ रतन मणि जी हैं। जिस तरह का जो आपका इतना लंबा अनुभव है रतन मणि जी, क्या इस तरह की जो एक के बाद एक सीट पर चुनाव को लेकर इतना कन्फ्यूज़न किसी पार्टी में कभी आपने देखा है? और एक और बात कि आखिर में अखिलेश ने इतने सारे पर्दे इकट्ठे करने के बाद फिर खुद से पर्दे को हटा के सामने आने का एक हिंदी फिल्मों का अंदाज जो है वो अख्तियार किया, इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुपम जी भी जुड़ गए, आपका स्वागत है। रतन मणि जी के बाद आपके पास आता हूँ। जी रतन मणि जी। जी ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले कई चुनावों में, कम से कम 3 या 4 लोकसभा चुनावों में, इस तरह की टिकटों को लेकर संशय की स्थिति कम से कम किसी बड़े नेता द्वारा और किसी बड़ी पार्टी में देखने को नहीं मिलती थी। आमतौर पर हम देखते थे कि स्थानीय पार्टियों में या किसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे जो प्रत्याशी था वही पाला बदल लेता था या कुछ और अनहोनी घटना हो जाती थी तब कैंडिडेट बदले जाते थे, लेकिन इस बार तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर या तो टिकट चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी या किसको टिकट दिया जाए इसका दबाव बहुत ज़्यादा पार्टी में बन चुका था, या अखिलेश यादव जी के जो सलाहकार थे जिनसे वो राजनीतिक सलाह लेकर और टिकटों को फाइनल करते हैं, वहाँ पे कुछ रणनीति में कंफ्यूजन था जिसकी वजह से पार्टी को 3-4 जगहों पे बहुत ही असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। और ये अखिलेश यादव की लीडरशिप पे भी सवाल उठाता है और पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कितनी तैयारी करनी चाहिए और क्या तैयारी थी इस पर भी सवाल उठते हैं कि क्या पार्टी इतने बड़े चुनाव के लिए पिछले इतने महीनों से कोई तैयारी नहीं कर पाई थी कि आखिर तक कैंडिडेट बदलते रहे। ये बात अपनी जगह है, लेकिन हाँ यह ज़रूर है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने खुद अपने अपने पार्टिसिपेशन को लेके, अपने चुनाव को लड़ने को लेके जो संशय की स्थिति बनाई थी, ये उसके बारे में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रही है। ठीक है, ये स्पष्ट है कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है जो तमाम सारे और फेज बाकी हैं, यूपी में तो 7 चरणों में चुनाव होना है, तो अभी तो मुझे लगता है पहले ही 2-3 चुनाव के चरण में जिस तरह से प्रत्याशियों को बदला गया और जिस तरह से जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं खिसकती और असहज होती हुई दिखाई पड़ी, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आगे के एकदम पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं और जो चुनाव क्षेत्र हैं वहाँ पर भी कुछ बदलाव होते रहे, क्योंकि अंततः बात यही आके रुक जाती है कि अखिलेश यादव आखिरकार
अपनी पार्टी के निर्णय लेने में किससे सलाह लेते हैं, किससे बात करते हैं, क्या कोई उनका कोर ग्रुप है जिससे वो बात करके तय करते हैं कि किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है, क्या किसी अन्य तरह के दबाव में आ जाते हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कन्नौज में तेज प्रताप यादव के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का सुझाव था कि उनको यहाँ से टिकट दिया जाए क्योंकि तेज प्रताप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्या अखिलेश यादव इस तरह के राजनीतिक निर्णय किसके कहने पर लेते हैं, क्या वो राजनीतिक लोगों के कहने पर लेते हैं या परिवार के कहने पर या स्थिति जो है क्षेत्र की उसकी वजह से लेते हैं? ये सब चीजें स्पष्ट ना होने की वजह से समाजवादी पार्टी के अंदर जो एक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है, निर्णय लेने की जो पद्धति होती है, उस पर सवाल खड़े होते हैं और ये ऐसी पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा साइन नहीं है जो प्रदेश में कई बार सत्ता में रह चुकी है और अखिलेश यादव खुद भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अपने आप को उन्होंने देश की राजनीति में एक मुकाम पे पहुंचाया है, इंडिया गठबंधन में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर वो पूरी तरह से हावी हैं कम से कम उत्तर प्रदेश में, और इतना सब होने के बाद भी अगर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का टिकट भी वो एक फाइनल करने में इतनी इतनी उहापोह की स्थिति से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उस पर सवाल उठते हैं। पंडित जी, अनुपम जी, जिस तरह से चुनाव ये लड़ा जा रहा है और आखिर तक लगा कि ये चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, और उसी तरह से अब ये भी चर्चा आ गई है कि केरल से वायनाड में उधर वोटिंग खत्म होगी और इधर 1 मई तक पर्चा भर देंगे राहुल गांधी और पूरी पुताई उताई होगी, कोई ऑफिशियल नहीं आया। ये देखिए कि कांग्रेस का मैसेज देने का इस उसमें इस चुनाव में कितना अच्छा तरीका है कि उन्होंने उस घर पर पुताई लिपाई करा दी है जहां कि जहां से राहुल गांधी पर्चा भरेंगे रहेंगे, हालांकि पोस्टर भी वो उखाड़े हैं जिन पर लिखा था कि रॉबर्ट वाड्रा आएंगे। तो आप इन दोनों दलों की जो स्थिति इस वक्त है, आपको क्या लग रहा है कि इनके अंदर ये जोश फर्स्ट फेज में कम वोटिंग से भरा गया है या फिर इन्होंने इतनी शानदार स्ट्रेटजी बनाई है कि बीजेपी उलझ के रह जाए और ये जब अचानक आएंगे तो बीजेपी के जो नेता हैं, रणनीतिकार हैं, वो समझ नहीं पाएंगे? आपको क्या लगता है? दिनेंद्र जी, जहां तक स्ट्रेटजी का सवाल है, हमको लगता है कि ये तो उल्टी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माना जा रहा है कि फर्स्ट फेज में जितना लो वोटिंग हुआ है उनसे वो परेशान है, वो अपने भाषणों और भाषणों के टेनर के जरिए लोगों में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं और वोटर्स को ब्रिंग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ने लगेंगे, देखिए पहली बात तो अखिलेश के आने से ही अंतर पड़ेगा। एक बार वो खुद चुनावी क्षेत्र में उतर आएंगे तो फिर जुबानी जंग तेज होगी, फिर आप मान के चले ध्रुवीकरण भी बढ़ेगा, फिर तमाम मुद्दे उठेंगे और उसके बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन कहीं अगर राहुल गांधी आ गए, आप समझिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना नहीं मिल रहा है। किस पे निशाना लगाए? 7 साल से आपकी अपनी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार 10 साल से, राज्य में आपकी सरकार 7 साल से, निशाना लगाए तो लगाए किस पे? ऐसे में अगर राहुल गांधी लौट आते हैं और जिस तरह की चर्चा चल रही है कि अमेठी से राहुल आ जाएंगे, रायबरेली से प्रियंका गांधी आ जाएंगी, ये भी चर्चा चल रही है कि उसके पहले दोनों भाई बहन राम मंदिर में जाके दर्शन करेंगे, अगर ये सब हुआ तो फिर आप मान के चलिए कि ये जो वोटिंग परसेंटेज आपको नजर आया ये तो एकदम आसमान फाड़ देगा, ये एकदम से जंप कर जाएगा और फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को निशाना लगाने के लिए कोई शख्स और कोई परिवार उत्तर प्रदेश में मिलेगा। अखिलेश यादव, मैं बार बार कहता हूँ, 2024 के खिलाड़ी नहीं है, उनकी अपनी पार्टी उनके अपने कार्यकर्ता मानते हैं कि हाँ साहब उनका लोकसभा में कोई बहुत योगदान नहीं होने वाला है। राहुल गांधी ऑन द कॉन्ट्ररी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने घूम रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो यहां से लौट के आता है, जब स्मृति ईरानी ने पहले भी इसका जिक्र किया था, उन्होंने कहा 26 को राहुल आएंगे, अब 26 को राहुल आएंगे मतलब 26 को वहां वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद अगर वो आते हैं तो उनको उस वोटिंग से डर नहीं होगा कि साहब ठीक है वायनाड में वोट पड़ गया है। वायनाड में उनको एक अपनी दिक्कत भी आ रही है भाई कि वहां पे आपने देखा कि पहले मुस्लिम लीग ने कह दिया कि साहब यहाँ 45% मुस्लिम वोट है, आप यहाँ सीट हमारे लिए खाली कीजिए, मुस्लिम लीग को कोई तरह हाथ पैर जोड़ के मना लिया गया। उसके बाद वामपंथियों ने कह दिया कि आप केरल ही खाली कीजिए, आपकी केरल में जगह नहीं है। फिर आपने देखा ए राजा ने अपनी पत्नी एनी राजा को वहां से उतार दिया, एनी राजा वहां पे आ रही, वहां अच्छी खासी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, एनी राजा बाकायदा एक कैथोलिक क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन ग्रुपों से जुड़ी हुई है,
अभी तक जो ईसाई समुदाय था वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देख के वोट डाल रहा था, पर अनिल राजा वहां पे खुद बड़ी डोमिनेंट क्रिश्चियन है, उनको वहां वो भी दिक्कत आ रही है। वायनाड से उनका चुनाव निकल जरूर जाएगा, पर पिछली बार की तरह नहीं, इस बार आप उनके वोटों में बहुत कमी होते देखेंगे। ये फ्रस्ट्रेशन आपको उस समय भी नजर आता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि केजरीवाल जेल चले गए, हेमंत सोरेन जेल गए, विजयन क्यों नहीं गए। तो आप अब ये अपने आप बड़ी ऊटपटांग बात है, दिल्ली में आप कहते हैं केजरीवाल को जेल नहीं जाना चाहिए, रांची में आप कहते हैं हेमंत सोरेन को जेल नहीं जाना चाहिए, और केरल जाके आप कहने लगते हैं विजयन को जेल जाना चाहिए। तो उसका जवाब भी मिला, आपने देखा कि वहां पीवी अनवर करके जो विधायक है उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया राहुल गांधी पे, उनकी पैदाइश पे शक, इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। फिर राहुल गांधी ने कहा बताइए हम तो मोदी पे हमला कर रही है, हम पे हमला कर रहे हैं। तो बजाय पीवी अनवर को रोकने को आपने देखा कि जो मुख्यमंत्री विजयन है उनका किस तरह का बयान आता है, वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने इसको क्या समझ लिया कि जैसे पूरे देश में घूम के वो कुछ भी बोलते रहते हैं, केरल में इस तरह की जबान चलाएंगे करारा जवाब मिलेगा। तो राहुल गांधी के लिए पहले मुस्लिम लीग, फिर सीपीआई, फिर जो वामपंथी सरकार, धीरे धीरे वहां का माहौल बहुत दम घुटू होता जा रहा है। राहुल गांधी इज डेस्परेट टू कम बैक टू अमेठी, लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि वो इतने 5 साल में अमेठी में झांकने नहीं गए, लेकिन फिर भी वहां बताया जा रहा है कि साहब एक ऐसा रिश्ता है, तमाम चीजें हैं। पहले रॉबर्ट वडेरा का नाम चला के वहां पे टेस्टिंग द वॉटर्स वाली बात भी माहौल को भापने की कोशिश की गई। लेकिन अगर राहुल गांधी लौट के आते हैं अमेठी, तो राहुल गांधी को कितना फायदा होगा, कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये तो ऊपर वाला जाने क्योंकि उनके पास वोट कितना है। लेकिन राहुल और प्रियंका अगर आते हैं तो फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश पे एक निशाना मिल जाएगा। धीरेन जी जी आलोक, जिस तरह से पूरा ये है कि ये रणनीति की विफलता अभी तो दिखाई दे रही है, क्योंकि इस समय समाजवादी पार्टी के पास अपने कैंडिडेट्स को तय करने का या तो वो मैकेनिज्म खड़ा नहीं किया उन्होंने, या वो अभी तक इतने फर्म डिटरमिंड नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में न कोई उनके पास, हालांकि उनके चाचा हैं लेकिन दोनों चाचा दूर खड़े हैं, एक ने अपने बेटे के लिए पूरी लड़ाई लड़ ली है, दूसरे अभी इस उम्मीद में है कि राज्यसभा अगर कभी बनी तो वो भी बनती थी, जो उनके साथ थी और उनका बेटा। तो ये तमाम चीज़ों के बाद अखिलेश अकेले हैं, और ये वही अखिलेश हैं जो 2009 में, आपको याद होगा, जो एक पर्चा भरा गया था जिसमें निर्विरोध चुनी गई थी, अभी सूरत पर जरूर सवाल हो रहा है, लेकिन निर्विरोध चुनी गई थी, आपने देखा होगा कि किस तरह से डिंपल को कोई विरोध नहीं मिला था, जबकि वहाँ लंबे समय से एक लड़ाई का अनुभव रहा। 1967 में इसी सीट से राम मनोहर लोहिया जीते थे। तो आपको क्या लगता है कि ये सीट चूज करने के लिए भी, अगर आप लड़ रहे थे तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राज्य में आके चैलेंज करते हैं, राहुल गांधी केरल पहुंचते हैं, भले ही एक बड़ी सीट के लिए उन्होंने सोचा हो लेकिन उन्होंने राज्य छोड़ा, लेकिन अखिलेश यादव मैनपुरी, आजमगढ़, कन्नौज, इन्हीं सीटों का सहारा, जो परिवार की सीटें हैं, उनके अलावा नहीं दिखता है। आपको लगता है कि आलोक उनको आगे बढ़ के मोरल ऐसी लड़ाई में कोई और सीट भी चूज करनी चाहिए? देखिए बिल्कुल धीरेन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव की बात करते हैं, और अखिलेश यादव क्यों, अगर हम ग्राउंड में रह रहे हैं तो एक और भी शब्द है जो कि आमतौर पे हम लोग न्यूज़ रूम में भी इस्तेमाल करते रहते हैं, सैफई परिवार। मैनपुरी अभी कुछ दिन पहले मैं था तो वहाँ पे बात इस बात के लिए हो रही थी, आपस में कार्यकर्ता बहस कर रहे थे कि आखिर सैफई परिवार की गुलामी कब तक, और दूसरा कह रहा था कि अब आज़ादी चाहिए इस परिवार से। तो हमें इस बात को भी समझना होगा कि अधिकतर जो टिकट होते हैं इस बेल्ट की, अगर हम बात करें, इसे यादव बेल्ट भी कहा जाता है, इस बेल्ट पे सैफई परिवार का ही टिकट मिलता है, और इस चीज़ को हमने बदायूं से लेकर के मैनपुरी से लेकर के कन्नौज तक देखा है। दूसरी बात है कि ये एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो बात कही, उस पर लगता है कि समाजवादी पार्टी को बहुत विश्वास नहीं है। कभी भी समाजवादी पार्टी का, खासतौर पर सैफई परिवार, उसने नया एक्सपेरिमेंट किसी दूसरी सीट पे नहीं किया है, खासतौर पे किसी ऐसी सीट पे जहां पर उन्हें अंक गणित के मुताबिक ये दिखा हो कि MY वाला फैक्टर कम रहा हो। और यही वजह है कि आजमगढ़ से लेकर के हम उनके 5-6 बिल्कुल चिन्हित गढ़ों को हम जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, पर दूसरी तरफ
अगर नरेंद्र मोदी गुजरात से चल करके बनारस आते हैं और उन्हें माँ गंगा पुकारती हैं, ऐसे बहुत सारे तब्दीलियां देखी हैं हम लोगों ने। एक बड़ा नेता किसी दूसरे क्षेत्र से जाके लड़ता है, लेकिन हाँ अखिलेश को लेकर के समझाने वाले भी बहुत हैं, उन्हें बहुत सारे लोग करेक्टिव मेजर्स भी बताते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, जैसे कि हमारे एक मेहमान भी कह रहे थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का एक तौर पर चेहरा बन के उभर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ये सच है कि इस वक्त यूपी के कांग्रेस पे भी भारी हैं। वो जो कह रहे हैं आमतौर पर कांग्रेस भी वही कर रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कन्नौज को चुन लिया और यहाँ से लड़ेंगे, अचानक से लड़ाई भी यहाँ पे बूस्ट कर गई समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन बड़ा कद पाने के लिए कुछ बड़ा मैसेज देना होता है, ना कि परंपरागत सीटें या फिर वो सीट जिसे हम ऑलमोस्ट सेफ और सिक्योर मानते हैं, या यहाँ पे इसे लॉन्चिंग पैड भी कहा जाता है सफाई परिवार का। तो इस तरीके की सीटों से कहीं ना कहीं कद को जरूर एक तौर पर सवाल उठ जाता है, लेकिन ये सच है कि सैफई परिवार का ये प्रयोग हमेशा उन्हीं सीटों पे रहा है और उनसे वो बाहर नहीं निकले हैं। दूसरे पार्टियों के नेताओं की हम बात करें तो वो बाहर निकल करके उन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन अखिलेश यादव की 2024 की जो भूमिका है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कर तो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में वो जूझ रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारी जगहों पे प्रत्याशियों को नामों को लेकर के सवाल है, प्रत्याशियों के चयन और उनके नामांकन की तिथियों तक इंतज़ार करने तक की जो कई ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं उन पर सवाल उठता है, लेकिन अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं। आप इस प्रयास को देखिए कैसे सफलता मिलती है। 7 चरणों का चुनाव है, उन्होंने बहुत सारी कोशिश की गाजीपुर में मुख्तार अंसारी से भी के मरने के बाद उनके वहाँ पे भी गए, उनके परिवार से भी मिले, ये सब प्रयास वहाँ होते रहे हैं। 7 चरणों के इस यूपी के चुनाव में पहले चरण में हमने देखा कि मतदान कम रहा, हमारे मेहमान भी कह रहे थे पैनल पे, इस वक्त अगर सबसे परेशानी का सबब है चाहे सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की, तो वो है वोटिंग टर्नआउट, मतदान परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए, ये निश्चित तौर पे सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि बढ़ा हुआ मतदान दो चीज़ों का संकेत करता है, या तो परिवर्तन का या फिर जो है उसका साथ देने का। जी, मैं जाता हूँ रतन मणि जी के पास। रतन मणि जी, एक और बात उन्होंने कही कि कन्नौज का विकास नहीं हुआ, इसको समाजवादियों का गढ़ होने के नाते सरकार ने विकास नहीं किया, विकास नहीं करने दिया, विकास से दूर रखा, लेकिन लंबे समय से ये सीट उनके परिवार को मिलती रही। 1998 से लेके अब तक 7 बार उनकी परिवार से जीते हैं, उनकी पार्टी से जीते हैं, 2 उपचुनाव, 5 चुनाव ये वो जीत चुके हैं। और ये समाजवादी टेस्ट की सीट है, चूंकि 67 में राम मनोहर लोहिया भी जीते थे, तो ऐसे में विकास ना होने का दावा या नारा या आरोप वो दूसरे पर लगा सकते हैं। और दूसरा ये कि आपको भी ये लगता है कि ये जो चुनाव किया गया अब लड़ने का, इसके लिए कोई बहुत विचार करके किया गया, या ये भी इसीलिए कि चलिए अब मैं भी लड़ लेता हूँ, ये आखिर है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा अभी भी। जी देखिए, आपके पहले प्रश्न के जवाब में मैं ये बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। हम में से सभी लोग अगर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे गए हों तो आप देखेंगे कि वो एक्सप्रेसवे ज़रूर इस इलाके से होकर आगरा तक गई है, लेकिन अगर आप उसके आजू बाजू उन शहरों को देखें जहाँ के बाहर से होकर ये सड़क गुजर जाती है, तो चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो इटावा हो, चाहे वो फिरोजाबाद हो, उन सब जगहों में कोई ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिखता है। जो परिवर्तन दिखता है वो केवल सफाई में दिखता है, जो कि बिल्कुल अलग से एक बड़े ही नए किस्म के शहर की तरह चमकता रहता है। अगर आप कन्नौज गए हों तो आपने ज़रूर देखा होगा कि कन्नौज में आज भी वहाँ की जो हालचाल है, जो वहाँ का जो अपीयरेंस है शहर की, वो वैसी है जैसी वो आज से 10 साल 15 साल पहले हुआ करती थी। जबकि ये बात सच है कि इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद ये सारी जगहें एक ही परिवार के सदस्यों के प्रतिनिधित्व में रही हैं और वो पार्टी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में सत्ता में भी रही।
ये तो कहा ही जा सकता है कि जो भी विकास होना था कम से कम 2017 के चुनाव के पहले तक तो हो गया होता ना। 2017 से मान लीजिए कि उनकी पार्टी पावर में नहीं है और उस वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 2017 तक अगर कुछ काम हुआ था तो वो आज भी दिखना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के सदस्यों द्वारा इस पूरे क्षेत्र को अपने राजनीतिक जड़ें जमाने के लिए इस्तेमाल किया गया, अपने आप को उस इलाके में स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया गया और पूरी तरह से ये संकेत देने के लिए इस्तेमाल किया गया कि ये पूरा इलाका जिसमें कि चार पांच पांच शायद कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं और तीन चार जिले हैं, ये पूरा इलाका राजनीतिक तौर पर हमारे प्रभाव में है और जिसकी वजह से वहां से जीतते तो आए, क्योंकि एक लोगों का कमिटमेंट होता है, पारिवारिक संबंध होता है, जातिगत संबंध होता है, उसकी वजह से समर्थन तो उनको मिलता गया, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई बहुत बड़ा विकास का परिवर्तन वहां पे नहीं दिखता है। और जो लोग भी वहां गए हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि वो देख के नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत बड़े परिवार के और बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने यहाँ का प्रतिनिधित्व लोकसभा में या विधानसभा में किया हो। आपका जो दूसरा सवाल था कि यहीं से अखिलेश यादव क्यों लड़ रहे हैं, तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि अखिलेश यादव ने और दूसरी ओर शायद राहुल गांधी ने भी पहले चुनाव ना लड़ने का मन बनाया था, लेकिन उसके बाद जब पहले चरण के चुनाव में वोटिंग कम हुई और उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी शायद दबाव में आ रही है, परेशान है, तो चलो चुनाव लड़ लेते हैं। ये संकेत केवल मुझे नहीं, ये तमाम सारे लोगों के मन में ये विचार आता है कि अखिलेश यादव ने अभी ही क्यों डिसाइड किया कि वो चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ना था तो पहले से कह देते तो वहां पे उनके पक्ष में प्रचार हो रहा होता, पर्चा भले ही बाद में भरते लेकिन कम से कम एक संदेश तो जाता लोगों में कि अखिलेश यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से राहुल गांधी के लिए भी यही कहा जाता है कि अगर लड़ना है उनको तो वहां की वोटिंग का इंतजार करने की क्या जरूरत थी, अनाउंस कर देते कि हाँ लड़ेंगे। तो ये बात हो सकती है कि अखिलेश यादव ने कम से कम सोचा हो कि चलो हो सकता है माहौल बदल रहा है तो चुनाव लड़ते हैं, और अगर निकल गए तो ठीक है, और वहाँ के लोगों का जो एक जातिगत कम्युनिटी का, उस क्षेत्र का, उनके पिताजी के नाम का, ये सब जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनके सहारे और उनके भरोसे जीत गए तब तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि शायद जी बीजेपी दबाव में आ गई है। तो जी मुझे लगता है आप कि ये निर्णय जिस तरह की स्ट्रेटेजी पे आधारित होना चाहिए वो स्ट्रेटेजी कहीं नजर नहीं आती, ये एक इम्पल्सिव डिसीजन मुझे ज्यादा लगता है। जी माफ कीजिएगा, दर्शकों से मैंने कहा था 2009, वो 2012 का चुनाव था जब वो निर्विरोध चुनी गई थी डिंपल। माफ कीजिए, मैं सन गलत बताया था, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ अनुपम जी कि ये दोनों अगर लड़ते हैं, जो दोनों लड़के यूपी में लड़ रहे थे 2017 में, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को बहुत चिंता करनी चाहिए? और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि एक विचार आ चुका है जातीय जनगणना का, राहुल गांधी जिस तरह से पूरी ताकत के साथ उन्होंने कहा है कि बदलाव ला रहे हैं, और अब तो इनहेरिटेंस टैक्स भी आ गया है, उन्होंने वो भी बताया है, और इसके साथ साथ कर्नाटक में जो सरकार ने किया था उनकी, हालांकि पुराना डिसीजन था जिसमें उन्होंने जो मुस्लिम वर्ग है उसको कंप्लीट ओबीसी में डाला, तो इतने सारे जब वो अपने काम बता रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को यहाँ डरना चाहिए पूरी तरह से? बीजेपी इस समय बिल्कुल कांप गई होगी, क्योंकि राहुल जी जितनी ताकत के साथ अमेठी में आएंगे और रायबरेली में उनकी सिस्टर आ सकती हैं प्रियंका, और तब तो मुझे लगता है कि ये पूरा चुनाव बदल जाना चाहिए पूरा। और एक और मैं आपसे पूछ रहा था कि ये कब तक जो है जो अखिलेश जी हैं उनका एक योगदान माना जाना चाहिए कि कोई भी अगर उनके परिवार में बचा होगा तो उसको सांसद पेंशन जरूर मिल सकती है, तो उनको कोई नए लोगों को भी ट्राई करना चाहिए आपको लगता है परिवार के? दो सवाल है। देखिए, राहुल गांधी के आने का क्या फर्क पड़ेगा धीरेन्द्र जी, मैंने अपने पिछले जवाब में ही बताया था। मैंने आपसे कहा था कि राहुल और प्रियंका अगर ये अपनी दोनों सीटें निकाल लेते हैं 2014 की तरह, अमेठी भी निकल जाए, रायबरेली भी निकल जाए, तो जैसे आपने कहा कि उन्होंने एक मुस्लिम कार्ड खेला है कर्नाटक में, तो मुस्लिम वोट तो उनको ऑलरेडी मिल रहा है। मुस्लिम वोट तो आपने देखा उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस जगह मिला जहां पे उनका बेस ज्यादा वोट नहीं समाजवादी पार्टी का। ये जो अलायंस है इसको मुस्लिम वोट तो ऑलरेडी पहले नंबर पे मिल रहा है, और यही सारा बोन ऑफ कंटेंशन है कि जहां पे
दलित मुस्लिम गठजोड़ हो सकता था, वहां भी बसपा ज्यादा सपा को या अलायंस को मुस्लिम वोट मिला। तो मुस्लिम वोट उन्हें ऑलरेडी मिल रहा है, तो उसमें क्या अंतर आएगा? अंतर सिर्फ ये आएगा कि एक बार राहुल और प्रियंका लौट के आते हैं तो पहली बात तो ये कि राहुल अमेठी में, प्रियंका रायबरेली में और अखिलेश यादव कन्नौज में फंस के रह जाएंगे, इसके आगे निकल नहीं पाएंगे। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में निशाना लगाने के लिए एक नहीं पूरा पूरा परिवार ही मिल जाएगा। एक तरफ अखिलेश यादव का परिवार, दूसरी तरफ गांधी परिवार, तो उनको फाइनली यूपी में कुछ कहने को मिलेगा। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 7 साल से राज्य में आपकी सरकार है, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा और मोदी निशाना नहीं लगा पा रहे हैं। किस पे निशाना लगाएं? जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है, तो अखिलेश यादव इस बात से तो निकलना चाहते हैं कि साहब हम केवल यादव को लड़ाते हैं, वो पीडीए लेके आए हैं कि साहब उन्होंने कहा कि हम यादव वोटों को सबसे कम देंगे। ठीक है, इसके पीछे एक कारण है, उनको लगता है कि यादव वोट कहाँ जाएगा, यादव वोट घूम फिर के हमारे पास आएगा ही। हालांकि उन्हें ऐसा गलत लगता है। सीएसडीएस की रिपोर्ट बताती है कि लोकसभा के चुनाव में 4 में से 1 यादव ने भाजपा को वोट दिया है। इस चुनाव में वो आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन आपने सिर्फ ऐसा नहीं ना कि आपने तो अपना पूरा परिवार उतार दिया। तेज प्रताप यादव का जहां तक सवाल है, वो 2019 में भी चुनाव लड़ना चाहते थे और जब शिवपाल के बेटे का बदायूं से फाइनल हुआ तो उन्होंने काफी, जिसे कहना चाहिए, अपनी मांग को बढ़ा दिया। मैं विद्रोह तो नहीं कहूंगा, पर देखिए वो नाराज हैं। आज वो अखिलेश यादव के नामांकन में तेज प्रताप नहीं गए, लेकिन उनका कहना था कि साहब अगर रामगोपाल यादव के लड़के लड़ सकते हैं, शिवपाल यादव के लड़के लड़ सकते हैं, डिप्पल लड़ सकती हैं, धर्मेंद्र लड़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता, मैं 2019 से टिकट मांग रहा हूं। तेज प्रताप यादव के पिता के नाम पे ही सफाई महोत्सव होता है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव लालू यादव के छोटे दामाद भी हैं, तो उनके लिए वहां से भी लगातार प्रेशर आ रहा था। अखिलेश यादव ने उनके नाम को डिक्लेयर किया, लेकिन अखिलेश यादव इस चुनाव की शुरुआत में ही डिम्पल यादव और अपनी बिटिया को चुनाव प्रचार के लिए कन्नौज भेज चुके थे, तो जाहिर सी बात है वो तेज प्रताप के लिए उन्होंने नहीं भेजा था। तब से लगातार समाजवादी पार्टी की लोकल यूनिट एकदम करने से हो गई कि अखिलेश भैया आ रहे हैं। जिस दिन तेज प्रताप के नाम का अनाउंसमेंट हुआ, उस दिन पूरी की पूरी इनकी जिला यूनिट ये सब गाड़ियों में भर के लखनऊ पहुंच गए और अखिलेश के ऑफिस और दफ्तर दोनों जगह डेरा डाल दिया। अगले दिन अखिलेश की 2 मीटिंग थी, इनसे बात करने के चक्कर में अखिलेश को एक मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। तमाम लोगों ने अखिलेश यादव के मुंह देखा कि भैया हम आपके लिए मन बना चुके हैं और अगर आप नहीं आएंगे तो तेजू भैया को हम चुनाव नहीं लड़ा पाएंगे। अखिलेश यादव ने उनसे ये भी कहा कि साहब क्या तुम लोग चुनाव लड़ाते हो, डिम्पल को एक बार आप लोगों ने हरवा दिया। हालांकि एक बार डिम्पल जैसा आप कह रहे थे निर्विरोध भी निर्वाचित हुई है, दूसरी बार जब डिम्पल जीती तो 19,900 वोट से, तो उनका कौन सा चुनाव तुम लोग लड़ा रहे हो भाई, किसके भरोसे में आ जाओ कि नहीं भैया आप आइए आपके लिए इस बार खून पसीना सब एक कर देंगे, आपको बड़े मार्जिन से जिताएंगे। तो वहां पे तेज प्रताप को लेके इतना विरोध हुआ। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं मैं इसको एक स्ट्रेटजी के तौर पे देखता हूं, क्योंकि अखिलेश ने पहले दिन से डिम्पल और अपनी बेटी को वहां भेज के वहां एक बहुत लंबा एक संदेश फैला दिया कि अखिलेश भैया आ रहे हैं। बाद में जब तेजू का नाम आ गया तो जिला यूनिट वाले इस बात को नहीं ले पाए। धीरेन जी, जी मैं एक सवाल लूंगा रतन मणि जी से। रतन जी, आप इसको कैसे देखते हैं? अगर मैं ये कहूँ कि राहुल गांधी के आने से, मान लो लड़ते भी हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर कोई ताकत आती हुई दिख रही है और पूरे देश में प्रधानमंत्री का जो नैरेटिव है वो कांग्रेस के खिलाफ है? वो बात बिल्कुल सही है अनुपम जी की, उन्होंने बहुत तर्कों के साथ उसको रखा कि किस तरह से यहाँ उनके आने से प्रधानमंत्री को निशाना मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि जब प्रियंका आई थी 2022 में तो ये कहा गया था कि बहुत ताकत के साथ पार्टी में ताकत आएगी, लेकिन सीट एक आई, ताकत आई होगी अखबारों में और मीडिया में और काफी लोगों में ताकत आई, लेकिन आपको अभी लगता है आज की डेट में कि अगर राहुल लड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बाकी तमाम राज्यों में जहां उनको अगर थोड़ी बहुत उम्मीद है उसको भी वो खोकर वहां फंसेंगे, क्योंकि लड़ाई तो तकड़ी है? देखिए, और प्रदेशों की क्या बात करें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की इजाजत मिली है समाजवादी पार्टी द्वारा, ठीक है, जो गठबंधन के जो उन लोगों ने नियम तय किए हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि एक अमेठी के अलावा बाकी जो 16 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस को अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं, वहाँ पर उम्मीदवारों की क्या स्थिति है, उनका अपना प्रचार कैसे चल रहा है, उनका प्रचार करने कौन आ रहा है,
खड़गे जी या प्रियंका वाड्रा कितनी बार आई या बाकी सीनियर नेता उन 16 सीटों पर आए कि नहीं। 17वीं सीट तो चलिए अमेठी है, इसके बारे में सबका फोकस है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए चूंकि वायनाड का चुनाव थोड़ा कठिन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो थोड़ी बहुत चुनौती है वो तो है ही, लेकिन लेफ्ट फ्रंट द्वारा भी एक अच्छा खासा चैलेंज वहां पे खड़ा किया गया है। तो उनके लिए एक सेफ बेट इस बार अमेठी इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां से कुछ फीडबैक जरूर गया होगा कि भैया पिछली बार तो थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन इस बार आप आए तो हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ के लोगों से कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने अपनी इंटरनल एजेंसी से और मशीनरी से इस तरह का फीडबैक लिया गया, तो लोगों ने कहा कि हाँ इस बार हम लोग राहुल भैया को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अमेठी में राहुल गांधी के कॉन्टेस्ट करने पर उनको यहाँ पे समय देना पड़े, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे कई सालों से समय नहीं दिया है। ऐसा होने पर जो वो अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे देश में कांग्रेस की बातें करते हैं, उनमें उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी, क्योंकि अमेठी से आके इस बार चुनाव लड़ना और फिर हार जाना उनके छवि के लिए और उनके एक राष्ट्रीय नेता की रेपुटेशन को के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। यानी कि राहुल गांधी को अमेठी में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी उपस्थिति लगातार बनाए रखनी पड़ेगी। नंबर दो, यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी उसी जोश से लड़ाई करनी पड़ेगी जिस जोश के वो अब आदि नहीं रह गए हैं कांग्रेस के पक्ष में जोश दिखाने के। और नंबर तीन, उत्तर प्रदेश की जो बाकी सीटें हैं 16 सीटें जहाँ पर कांग्रेस के अपने प्रत्याशी हैं, वैसे तो पूरे प्रदेश में जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं सबके समर्थन में राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को जाना चाहिए, लेकिन अगर बाकी जगहों पर राहुल गांधी उस तरह का ध्यान नहीं देते हैं तो ये भी शिकायत जाएगी कि वो अपने चुनाव में ज़्यादा व्यस्त रहे, इसीलिए कांग्रेस बाकी 16 सीटों पर बहुत ध्यान नहीं दे पाई। तो मुझे लगता है, जैसा कि आपने सवाल किया, उनके यहाँ आ जाने से कांग्रेस के लिए केवल एक सीट के भविष्य का निर्धारण हो सकता है कि अमेठी में क्या होगा, लेकिन पूरे प्रदेश में जो बाकी सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है उसका फेट मेरे ख्याल से उस पर कोई बहुत खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर वो सीटें कांग्रेस हार रही है आज की तारीख में तो हो सकता है यही हो, अगर एकाध सीटें जीत रही है या जीत सकती है तो वो वही सीटें होंगी जहाँ पर प्रत्याशी की अपनी ताकत है, जैसे रायबरेली, और मुझे और कोई तीसरी सीट तो नहीं सूझती है ऐसे में जहां मैं कह सकूं कि कांग्रेस जीतने की स्थिति में है अभी फिलहाल। देखा है, मैं एक बार बाइट सुनवा दूं अनुपम जी के पास जाने से पहले, एक आखिरी सवाल के लिए एक बार बाइट सुन लेते हैं कि क्या कहा उन्होंने, अखिलेश क्या कह रहे हैं और मोदी जी क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। मैं अपने प्रेस के साथियों का और हमारे साथ पार्टी का, कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। हमारे देश में हमने तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी है। तुष्टीकरण की राजनीति ने के देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट के रख दिया है। मोदी तुष्टीकरण को समाप्त करके संतुष्टीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। इन सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन घोर तुष्टीकरण में जुटा है। 24 के चुनाव में कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर शत प्रतिशत, और ये मैंने पहले ही दिन कहा था, आज नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो पर 100%
मुस्लिम लीग का थप्पा लगा हुआ है, मुस्लिम लीग की छाप है। अनुपम जी, बस एक आखिरी सवाल आपसे है कि प्रधानमंत्री का जो नया रूप आपने टोंक से देखना शुरू किया है, इस पर बहुत सारी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई कह रहा है कि वोट कम होने, परसेंटेज कम होने से उन्होंने एकदम पूरा रुख बदला है, पार्टी डरी हुई है। किसी का ये कहना है कि आगे आने वाले फेज के चुनाव के हिसाब से रणनीति बदली है। आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं इस पूरे बयानों को देखते? नहीं, देखिए कोई नई बात नहीं है, प्रधानमंत्री का दो रूप हम हमेशा देखते हैं। एक जब वो टोपी पहनने से मना कर देते हैं, फिर वो सबके साथ की बात करते हैं जब वो प्रधानमंत्री हो जाते हैं। एक जब वो चुनाव में आते हैं तो शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं, जब वो प्रधान जीत जाते हैं तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और जाहिर सी बात है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, 80 सीटें हैं यहाँ पे, और अगर यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है तो यहाँ ही नहीं, हर जगह आपने देखा, बंगाल को छोड़ के हर जगह वोटिंग परसेंटेज आपने डाउन देखा। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री, जो कि उत्तर भारत को 2019 में पूरी तरह सैचुरेट कर चुकी है भाजपा, उन्हें मालूम है कि इसको किसी भी तरह टेम्पो बना के रखना है, वो 400 पार। मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बात करती है 400 पार की, पर उनकी निगाहें 273 पे है। 2004 वाला झटका बीजेपी कम से कम भूलने वाली नहीं है। तो ऐसे में उन्हें मालूम है कि उत्तर भारत और ये पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया है, यहीं से हमारी सीटें आ रही हैं। दक्षिण भारत में तो जाहिर सी बात है, वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दक्षिण भारत की सीटों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जब वो नॉर्दर्न इंडिया में गिरता वो देखते हैं वोट शेयर, तो प्रधानमंत्री का अपना अंदाज है। आप देखिए, हर बार दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव तक प्रधानमंत्री उग्र और बहुत उग्र होते जाते हैं। इस बार तक कोई उनके पास मौका नहीं था, तो इसलिए प्रधानमंत्री की स्पीच आउट ऑफ नोवेयर लगी। कह रहे प्रधानमंत्री एकदम से कैसे कहां से क्या बोलने लगे, लेकिन जब से विरासत टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स और तमाम चीजें आ गई, और कर्नाटक का आपने मामला देख लिया, ये तमाम सेल्फ गोल कांग्रेस पार्टी करने लगी, तो जाहिर से बात है कि अब प्रधानमंत्री उग्र ही नहीं होंगे, उनके पास उग्र होने का निशाना और बहाना दोनों होगा। हाँ जी, शुक्रिया। जिस तरह से कन्नौज की बात की, मैं चूंकि अमेठी के उस खूबसूरत जगह को देखता हूँ जहाँ 7 साल पहले रुकने के लिए किसी ना किसी अधिकारी से कहना पड़ता था, ताकि होटल का एक एसी रूम पर तमाम पत्रकारों में से किस पत्रकार का कब्जा होगा, वही कन्नौज जहाँ आप जाने के लिए आज भी सड़कों से अंदर घुस के जाते हैं, जो कभी पूरे भारत के, पूरे भारत की तरक्की का केंद्र वही कन्नौज था, उस कन्नौज से जिससे हिंदुस्तान नापा जाता था, वहाँ की तरक्की तो मुझे लगता है उसके लिए दोष नहीं देना चाहिए उन दोनों लड़कों को, जिन्होंने अब वापस आने के लिए एक बार फिर सरकार पर हमला ये कह के बोला है कि वहाँ विकास नहीं हुआ। खैर, दूसरे फेज के चुनाव के बाद ये लगेगा, वोटिंग के बाद, कि आखिर तीसरे और चौथे फेज में नेताओं के मुंह से आने वाले शब्द किस तरह होंगे, और दोनों राजनीतिक पार्टियां या दोनों राजनीतिक गठबंधन किस तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप दोनों मेहमानों का आज के लिए शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों को भी एक अपील कि आप इस शो को देखते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर किसी और इशू पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर का कीजिए इंतजार। नमस्कार।